जय जवान जय किसान, नमस्ते आप सभी को। हमने गली इरोजन के बारे में समझा कि गली इरोजन क्या होता है, बट गली इरोजन से बचने के जो मेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो गली इरोजन से बचने के जो मेजर्स होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, हम वेजिटेटिव मेजर्स का यूज करके गली इरोजन को प्रिवेंट कर दें, या हमारे इंजीनियरिंग मेजर्स को यूज करके। तो इंजीनियरिंग मेजर्स में भी दो प्रकार के आते हैं, हमारे कंटूर बंडिंग से भी हम अपने गली कंट्रोल मेजर्स को बचा सकते हैं, या हम अपने चेक डैम्स का बिल्डअप करके, हम चेक डैम्स को बना के हम अपने गली इरोजन को बचा सकते हैं। तो चेक डैम्स में भी बेसिकली तीन टाइप के चेक डैम्स होते हैं। जो चेक डैम होते हैं वो एक होता है टेम्परेरी चेक डैम, एक होता है सेमी परमानेंट और एक होता है परमानेंट। जो हमारी टेम्परेरी चेक डैम्स है उनमें हम वेजिटेटिव जो हमारे पेड़ पौधे हैं या हमारे रेसिड्यूज है पेड़ पौधे के, उनका यूज करके हम वेजिटेटिव मेजर्स को करते हैं। फिर सेमी परमानेंट्स में हमारे लूज स्टोन चेक डैम्स होते हैं या नेटिव डैम्स होते हैं, जिसमें क्या है कि हम जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है चेक डैम्स के लिए, पत्थर जो है उसका उपयोग करके हम चेक डैम बनाते हैं लूज स्टोन। और ये जो मॉडल आप देख पा रहे हैं, जो मेरे पीछे ये मॉडल है, ये पूरे वाटर शेड में एक हिल जो है हमारा, वहां पर किस टाइप से हमारा टेम्परेरी कंजर्वेशन मेजर्स को हम यूटिलाइज करते हैं सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए, उसे समझते हैं। मेजर्स क्या होते हैं उसे देखते हैं। जैसे कि आप ये वुडन जो लकड़ी का जो डैम देख पा रहे हैं, इसे लॉक चेक डैम बोला जाता है। इस चेक डैम की खासियत ये है कि जहां पर हम चेक डैम, परमानेंट चेक डैम या सेमी परमानेंट चेक डैम नहीं बना पा रहे, वहां पर लॉक चेक डैम बना सकते हैं, जो फॉरेस्ट की लकड़ियां होती है उसका यूटिलाइज करके। जो उसके पिलर्स देख पा रहे हैं वो करीबन 2 मीटर ऊंचे रहते हैं और 1.5 मीटर जमीन के अंदर रहते हैं, जिसके वजह से फाउंडेशन हमको प्रॉपर मिल पाए, जो हमारा फाउंडेशन स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, जो हमारा फाउंडेशन प्रॉपर मिल पाए। और उनके बीच में बंचेस ऑफ हुड्स को हम रख देते हैं, जिसके वजह से जो वाटर आ रहा है और वाटर के साथ जो सेडिमेंट्स आ रहा है उन लकड़ियों में फंस कर वहीं स्टोर हो जाए और वाटर को अलाउ कर दें डाउनवर्ड स्ट्रीम में। तो कुछ इस प्रकार से हमारा टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर दिखता है। आप लॉक चेक डैम के नीचे में हमने लूज स्टोन चेक डैम बनाया है, उसके नीचे में हमने गैबियन स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस प्रकार से सीरीज ऑफ चेक डैम्स को बना के हम अपने सॉयल एंड वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, जो सेडिमेंट इल्ड हो रहे हैं हमारे डाउनवर्ड स्ट्रीम में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम अपने गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देख रहे थे, जिसमें हम चेक डैम देख रहे थे, हमने टेम्परेरी चेक डैम देख लिया, हमने सेमी परमानेंट चेक डैम देख लिया, और अब हम एक परमानेंट चेक डैम में आए हुए हैं कि परमानेंट चेक डैम क्या होता है। तो परमानेंट चेक डैम में भी तीन प्रकार के चेक डैम्स होते हैं या स्पिलवेज होते हैं, चूट स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे और ड्रॉप स्पिलवे। तो अभी आप देख पा रहे हैं चूट स्पिलवे सबसे ऊंचे में है, जो बीच वाला है ये हमारा इनलेट ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर है और ये हमारा ड्रॉप स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से सीरीज ऑफ जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं परमानेंट गली चेक डैम के, वो बनाए जाते हैं कि चूट स्पिलवे से स्टार्ट होके हमारे ड्रॉप स्पिलवे में खत्म होते हैं।